हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। इन्फो सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TDS के रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है। सभी चालान की पेमेंट करने के बाद और सभी चालान्स की एंट्री करने के बाद अब हम लास्ट स्टेप्स पे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि TDS के रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कैसे किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि TDS के चालान्स कैसे पे किए जाते हैं और उन चालान्स की एंट्री कैसे की जाती है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। आप उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि TDS की एंट्रीज कैसे की जाती हैं एंड चालान कैसे पे किए जाते हैं। आज हम TDS के रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे TDS मैन के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, मैंने उस पासवर्ड के थ्रू अपने TDS मैन को ओपन किया। सबसे ऊपर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, सारे के सारे ऑप्शंस ये होते हैं। इसमें हम सबसे पहले रेगुलर रिटर्न पे क्लिक करके 26Q का यूज़ करेंगे। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। ऊपर की लाइन में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ईयर को चूज़ करना है, देन क्वार्टर चूज़ करना है, देन कंपनी का नाम चूज़ करना है। अब आप नीचे देख रहे होंगे कंट्रोल समरी में हमें चालान्स के रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें चालान रिकॉर्ड में 5 और डिडक्टी रिकॉर्ड्स में 15, ये सब हमें डिटेल्स नज़र आ रही हैं। ये इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि हम चालान्स की एंट्री कर चुके हैं, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अगर आप सारे चालान्स के एंट्रीज को देखना चाहते हैं जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर चालान एंड डिडक्टीज एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। देन आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे आपको 5 चालान नज़र आएंगे, जिसका डिफरेंस अमाउंट 000 शो कर रहा है, जो कि हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है हर चालान के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे हम बैक टू होम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। बैक टू होम स्क्रीन पे क्लिक करते ही हम प्रीवियस पेज पे आ जाएंगे, जिस पे हम पहले थे। अब हम नीचे के साइड जो दिया हुआ है जनरेट रिटर्न, उस पर क्लिक करेंगे। जनरेट रिटर्न पे क्लिक करते हैं, कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे आपको स्टेप 1 में जनरेट टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जनरेट रिटर्न पर क्लिक करते ही वो टेक्स्ट फाइल जो है हमारी, वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी और वो सेव्ड हो जाएगी। नीचे के साइड आपको सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें हमें क्रिएट FUV फाइल लिखा हुआ है, हमें जस्ट इस पर क्लिक करना है। देन एक कैप्चा आएगा, हमें इसको पुट करके सेव कर देना है। देन आप देखेंगे हमारी FUV फाइल जो है, ये भी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अब इन दोनों के पाथ हमें केयरफुली देखना है कि ये कहाँ जाकर सेव्ड हुई है। अब मैं स्टेप 1 वाले टेक्स्ट फाइल और स्टेप 2 एंड 3 वाली FUV फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने उन दोनों फाइल को यहाँ डेस्कटॉप पे Q3 के नाम से सेव कर लिया है। देन अब हमें एक DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी ओपन करना है। इससे हमारी एक सिग्नेचर की फाइल जनरेट होगी, जिसे हमें पोर्टल पर सबमिट करना होता है। तो चलिए अब हम इसे जनरेट कर लेते हैं। DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी को ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपको DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी को डाउनलोड करने का लिंक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। देन आप देखेंगे इसमें सबसे ऊपर के साइड आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमें सबसे लास्ट ऑप्शन पे आने हैं, जिसमें लिखा हुआ है बल्क अपलोड, हमें इस पर क्लिक कर रहे हैं। बल्क अपलोड पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले हमें जिफ फोल्डर को अपलोड करना है। जो फाइल अभी हमने डेस्कटॉप पर सेव करके रखी है, उसमें एक फाइल जिप की होगी, उसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ आ रहा है ई फाइलिंग यूज़र ID, यहाँ पे हमें कंपनी का 10 नंबर डालना है। देन उसके बाद आ रहा है यहाँ पर एंटर पेन ऑफ DSC, यहाँ पे जिसका हम पेन DSC यूज़ करने जा रहे हैं, हम उसका पेन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मेक श्योर कि आपके जो DSC का टोकन है वो आपके सिस्टम पे अटैच होना चाहिए। देन यहाँ नीचे आपको मिलेगा DSC डिटेल्स, यहाँ सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है सिलेक्ट द टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसमें हमें USB सिलेक्ट करना है। देन नीचे एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट द USB टोकन सर्टिफिकेट, इसमें उस पर्सन का नाम आ जाएगा जिसके आपने डिजिटल सिग्नेचर को के टोकन को पुट किया है। उस नाम को आप चूज़ करने के बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ है जनरेट सिग्नेचर फाइल, आप उस पर क्लिक कर देना, तो एक पासवर्ड लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसमें वो पासवर्ड डालना है जो आपके USP का पासवर्ड है, जो आपके डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड है, उसको यहाँ पर पुट कर देना है। देन आप देखेंगे कि आपके जो डिजिटल सिग्नेचर की फाइल है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई है और ऑटो सेव्ड उसी फोल्डर में हो गई है जो हमने डेस्कटॉप पे रखा है।
आप इस डिजिटल सिग्नेचर की फाइल को देख सकते हैं कि हमने जो फाइल डेस्कटॉप पे सेव करी थी उसके अंदर ये वाली जो फाइल है डिजिटल सिग्नेचर की जो अभी अभी बन के सेव्ड हो गई है। तो अब हमारी सारी की सारी फाइल तैयार हो चुकी हैं जिसको हमें पोर्टल पे अपलोड करना है। चलिए अब हम पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। पोर्टल को ओपन करने के लिए हमें गूगल पे सर्च करना होगा इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। इस पे सर्च करते ही सबसे पहला पेज हमें ई फाइलिंग होम पेज का मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा हुआ है लॉगिन हियर, हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। बट मेक श्योर कि यहाँ पे हमारा जो लॉगिन का पासवर्ड और यूज़र आईडी होगा वो हमारा 10 नंबर होगा, ना कि पैन नंबर। देन अब हम यहाँ पर ITR की साइट को हम पैन नंबर से लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना होगा यूज़र आईडी, देन उसके बाद पासवर्ड, देन उसके बाद कैप्चा, उसके बाद हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही आपको ई फाइलिंग का ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर की टैब में सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हमें अभी TDS की रिटर्न फाइल करनी है तो हम TDS के टैब पर क्लिक करेंगे। TDS के टैब पर क्लिक करने के बाद आपको फर्दर दो ऑप्शन और मिलेंगे। फर्स्ट है अपलोड TDS, सेकेंड है व्यू TDS। इसमें व्यू TDS के ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कोई प्रीवियस रिटर्न भरी हो और हमें उसको देखना हो। अभी हमें अपलोड करनी है TDS के रिटर्न, इसलिए मैं अपलोड TDS के टैब पर क्लिक करूँगी। अपलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा। इसमें सबसे फर्स्टली हमें स्टेटमेंट की डिटेल्स पुट करनी है, जिसमें फर्स्टली हमें 10 नंबर, उसके बाद FUV का वर्जन जो कि ऑटोमेटिक चूज़ हो जाता है, उसके बाद हमें फॉर्म नंबर कि हमने कौन सा फॉर्म चूज़ किया है। फॉर्म 4 टाइप के होते हैं, जिसमें 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ होते हैं। उसके बाद हमें क्वार्टर चूज़ करना होगा, हम कौन से क्वार्टर के लिए भर रहे हैं। देन उसके बाद हमें अपलोड टाइप करना है। अपलोड टाइप में दो ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जिसमें फर्स्ट है रेगुलर, दूसरा है करेक्शन। अभी हम रेगुलर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए मैं रेगुलर पे टिक करके इसको वैलिडेट करूँगी। डेटा को वैलिडेट करने के बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सारी की सारी डिटेल्स जो हमने प्रीवियसली डाली है ऑटो फिल्ड मिलेंगी। इसमें नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है अपलोड जिप फाइल। हमें वही जिप फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है जो अभी हमने प्रीवियसली जनरेट करी थी। जिप फाइल को अपलोड करने के बाद आपको फर्दर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है DSC सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये यहाँ पर वो फाइल अपलोड होगी जो अभी हमने DSC के मैनेजमेंट यूटिलिटी से जनरेट की थी। यहाँ पर हम उस डिजिटल सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करेंगे। देन अब हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपलोड करते ही आप देखेंगे कि आपके जो TDS की रिटर्न है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और वो सबमिटेड हो चुकी है। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन ID और जिस कंपनी के अगेंस्ट में आपने TDS की रिटर्न फाइल करी है उसका नाम आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न्स को देखना चाहते हैं तो आप TDS के टैब पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे सेकंड जो ऑप्शन है व्यू TDS रिटर्न, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस फाइल हमारी TDS के रिटर्न्स को देखने के लिए यहाँ पर हमें बेसिक कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे फर्स्ट है 10 नंबर, फाइनेंशियल ईयर, फॉर्म नंबर, क्वार्टर और अपलोड टाइप। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है व्यू डिटेल्स पर। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपको वो रिटर्न्स जो है वो नीचे की लाइन में शो करेगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको टोकन नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जो रिटर्न है वो एक्सेप्टेड हुई है या नहीं। यहाँ पर हमारा जो स्टेटस आ रहा है वो एक्सेप्टेड का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिटर्न है गवर्नमेंट के साइड से अप्रूव हो चुकी है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रोविजनल रिसीट पर क्लिक करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए आप को एक पासवर्ड चाहिए होता है। ये पासवर्ड आपका 10 नंबर होता है जो कि स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। आप अपना 10 नंबर स्मॉल लेटर्स में जब डाल देंगे तो ये ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आप इसका प्रिंट भी दे सकते हैं। तो फाइनली हमारी TDS की रिटर्न फाइल हो चुकी है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।